दोस्तों इस वीडियो में बाबा जी ने कुछ लाइव बताया पंडाल के बारे में, कुछ नियम कानून। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को आगे भेजिए। बाबा जी ने क्या बताया आपको सुनना जरूरी है, पंडाल के बारे में समझना जरूरी है। ज्यादा करके माइंड से लकवा वाला, कल मैंने एक एक लकवा वाले को देखा था और कल सुबह से लकवा वाले को देखना चालू कर दूंगा। आज एक बार तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी कमर, आज दो ही मंत्र लिया है लकवा वाले के लिए, क्योंकि ज्यादा करके दिमाग से कमजोर है और कमर से कमजोर है। ये दो ही मंत्र लिया है मैंने। तो आप लकवा वालों को, मैंने एक भी आदमी अंदर, मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ तब तक यहाँ कोई सोना मत, यहाँ कोई अंदर आना मत, तुम्हारा बिस्तरा पुटला लेके बाहर चला जाना, वहाँ रुकना, नहीं तो वहाँ रात को आपको आने का यहाँ आ सकते हो। दिन में एक भी लकवा वाला अंदर आना मत, मैं अभी से बता देता हूँ। अगर आ गए तो तुम्हारा रोग तुम्हारे पास में, तुम जानो तुम्हारा रोग जाने, कोई बात ही सुनते नहीं यहाँ पे। ये मैं तो बोलता हूँ, आप ये पंडाल के अंदर कोई रोको ही मत, इसके अंदर पूरा रोग भरा हुआ है। लोग यहीं सोते, मैं आप सबको, यहाँ रुकने वालों को मैं खास बोलता हूँ, 2 घंटा तुम धूप में रहोगे तो काले नहीं हो जाओगे, पर यहाँ तुम रुकोगे, यहाँ लोगों, आज जहाँ तुम सोए हो ना वहां पे आज नहीं तो कल कोई बैठा हुआ था, उसका रोग मैंने वहीं रखा है और वहीं पे आप रात को सोते हो। अंदर मेरी, अगर मेरी मानो तो अंदर कोई सो मत, तुम्हारा बच्चे को भी यहाँ सुला देते हो, अंदर कोई सोए मत, जो भी अगर मेरी बात सुनते हो। लोग तो अभी मैं यहाँ कम्बल देख आखिर यहाँ बिस्तर करने लग जाते हैं लकवा वाले का नंबर के लिए, और कल से मैं लकवा वालों को अभी से बोल देता हूँ, आप जल्दी बैठोगे, लेट जो आयोगे, कल धुआं निकलता था वो मैंने जलाया था, लोगों का चप्पल जलाया था, चप्पल छोड़ छोड़ के चला गया था। लोग बोलते कि हम माँ मंदिर पे गए, चप्पल छोड़ के आ गए, हमारी बीमारी जल जाएगी। नहीं, तुम्हारी बीमारी नहीं जलेगी, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा 100, 200, 500 रुपये का चप्पल क्यों छोड़ के जाते हो? अगर चप्पल छोड़ने से जो ये सब जो तुम्हारी पनौती चली जाती तो दुनिया अरबोंपति आदमी की पनौती लगी हुई है वो विजय माल्या, नाम देता हूँ तुम्हारे को, किंग फेसर का मालिक, वो तो लाखों रुपये का चप्पल लेके चला दे तो उसकी पनौती चली जाएगी, बेचारे को भारत छोड़ के जाना पड़ा, बेईमानी किया तो। तो रहो, मेहनत करो, मैं आपको भी बोलता हूँ, सफाई करो, तुम्हारा घर भी सफाई रखो, तुम्हारा आजू बाजू का गांव में भी, मैं तो बोला सफाई करो, एक बार सफाई करते सीख जाओ जिंदगी में कोई। तुम बोलते हो बाबा लोगों को ठीक करता है, मैं तो तुम्हारा शरीर की सफाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा शरीर में सफाई कर रहा हूँ, कहीं कचरा पड़ा हुआ है वो मैं सफाई कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारा जैसा सफाई कामदारी हूँ और कुछ नहीं है। आप लकवा वाले की बात, लकवा वाले व्यवस्थित लाइन करके बैठो, लकवा वाले का रिश्तेदार जो भी हो, वो पैसा मैं धर्माधर्म ही डालता हूँ, आपको पता नहीं होता, आज भी पैसा जो बचा होगा ना वो पैसा जाएगा अनाथ आश्रम में, आज शाम को हिसाब करके जो पैसा बचेगा वो पूरा पैसा जाएगा अनाथ आश्रम में। हेलो, जिसको कोई नहीं है वो पैसा वहीं जाएगा अनाथ आश्रम में जाएगा, तो तुम्हारे को भी उसका पुण्य मिलेगा। हाँ, लकवा वाले व्यवस्थित लाइन करके बैठना, उसका परिजन 1 घंटा अभी चलाना, 1 घंटा आरती के टाइम पे चलाना, और कल सुबह मैं बिठा देना, आज कोई हाथ मत लगने देना, आज तुम्हारा लकवा का पावर मेरी कम्बल में, मैं बच्चे वालों को एक एक कर देखूंगा और ये अभी बेरा गुंगा को एक एक कर देखूंगा, जय माता। और बेरे गुंगा वाले लड़के क्या करते, उसकी माँ ही भाई साहब की तरफ से 100 रुपए बना मैदान बिडानी आवे।